में आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में मटन व्हाइट कराई की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं कि मटन व्हाइट कराई बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रीडियंट्स रिक्वायर होंगे। हमने आधा किलो जो है वो मटन लिया है, इसके साथ मैंने 200 ml की क्रीम इस्तेमाल की है, आप चाहें तो होममेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी अच्छी कंपनी की। आधी प्याली मैंने दही का इस्तेमाल किया है। मैंने एक बड़े साइज की प्याज लेकर इसको चॉप कर लिया, अगर आपके पास बड़ी नहीं तो आप दरमियानी साइज की दो प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हमने 2 चम्मच जो है वो कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल किया है, पिसी हुई सफेद मिर्च 1/2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, आप हसबे जायका इस्तेमाल करें, काली मिर्च 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, 2 से 3 जो है मैंने सब मिर्चें लंबी लंबी काट ली हैं। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रेशर कुकर ले लेना, और प्रेशर कुकर के अंदर हम अपना ये गोश्त शामिल करेंगे। ये मैंने गोश्त डाल दिया है प्रेशर कुकर के अंदर। गोश्त डालने के बाद हम डालेंगे प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 ग्लास के करीब पानी, अब पानी ऐड करेंगे इसमें, और साथ में हम क्या करेंगे, नमक शामिल कर देंगे। इनको अच्छे से हम करते हैं मिक्स। अब तीसरी हमने कोई भी चीज इसके अंदर शामिल नहीं, अब मैं इसको कर दूंगी बंद, बिस्मिल्लाह रहमान, और अब मैं इसको वेट लगाकर पकने के लिए छोड़ दूंगी। जैसे ही 4 से 5 सीटियां बोलेंगी हम चूल्हा बंद कर। ये देखें व्यूअर्स, इसको 20 मिनट हो चुके थे और 4 से 5 तकरीबन हमारी जो सीटियां थी वो कुकर ने बोल दी थी, अब मैंने इसको उतार लिया है। अच्छे से कुकर की गैस निकालने के बाद हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल चुका है और ये बहुत ही जूसी है। यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, यहाँ तक जो हमारी डिश है वो आधी कंप्लीट हो चुकी है, गोश्त गल चुका है। अगर आप इसको 10 से 12 दिन रखना चाहें तो आप इसको रख सकते हैं। अब मैं इसको कढ़ाई में निकाल दूंगी, बिस्मिल्लाह रहमान। अब हम इसको कढ़ाई में निकालने लगे। अब हम इसको चूल्हे पर पकने के लिए रखते हैं। अब हम इसके अंदर ऑयल डाल लेंगे, बिस्मिल्लाह। बस मैंने 1 चम्मच जो था सालन वाला वो इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। अब हम इसको भूनेंगे, साथ साथ आंच को हमने दरमियाना रख लिया। हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल गया। अब हम इसके अंदर सूखा धनिया डालेंगे, सफेद मिर्च, कोकोनट पाउडर, और अच्छे से अब इनको मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। हम इसे मजीद 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि स्मेल ना आए। अब मैं इसके अंदर ये दही शामिल करने लगी हूँ। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसको कवर करूंगी। अब हम इसे 1 मिनट के लिए, आंच को मैंने बहुत स्लो कर दिया है, और 1 मिनट के लिए हम जो इसको ढांक कर रख देंगे। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा हम क्रीम ऐड करेंगे। ये देखें आप देख सकते हैं कि जो दही का पानी है वो ऑलमोस्ट जो है खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर धीमी आंच पर ही रखते हुए ये सारी क्रीम इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब हम इसके अंदर काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही मैं ये सब्ज मिर्चें भी डाल दूंगी। अब हम इसको दोबारा से कवर करके रख दिया है। 1 मिनट बाद हमारी जो डिश है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी होगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो डिश है वो बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ऐसे ही सर्व करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा धनिया ऐड कर रहे हैं और साथ में हम
अदरक के जो लंबे लंबे पीसेस हैं वो कट करके डाल रहे हैं। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की ये डिश कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।